कैसा क्या लग रहा है, उड़ के होते या तो हेलमेट जाते हैं, मैं ही जाती हूँ, दोनों ही जाते हैं। सलाम राम राम सत श्री अकाल, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो कल की वीडियो के लिए भी हम माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कल मेरे एक्शन कैमरे की बैटरी निपट गई थी और उस चक्कर में यार मैं हार्ले का वीडियो बना नहीं पाया। तो भैया ये है अपनी हार्ले 6 गियर 750 cc और पावर भाई साहब मस्त। तो भैया समय सारणी हो चुकी है, शाम के 5 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ मेरे फिल्म स्कूल। और फिल्म स्कूल क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर एक मेरी कज़िन पढ़ती है, मेरी मौसी की लड़की, सो उसके रिएक्शंस नोट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा बहन कहाँ है, कहते यूनिवर्सिटी हूँ। तो मैंने कहा रुक मैं आता हूँ और तेरे को एक बाइक राइड करानी है, ठीक है, और तेरे रिएक्शंस नोट करने हैं। तो कहती ठीक है भी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सो अभी मैं रुचि के पास जा रहा हूँ और फिर उसको वहीं धीरे धीरे, मतलब ऐसे ना 2 लेन का रास्ता है, धीरे धीरे वहाँ से लेके जाऊँगा हाईवे तक और फिर हाईवे से चलाएंगे, फिर उसके रिएक्शंस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन दिक्कत यह ना कि मेरे पास अभी एक्शन कैमरा एक है, मोटर लॉक सेटअप मतलब, तो रिएक्शंस रुचि के रिकॉर्ड होंगे, मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा। तो अभी के लिए मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि प्लान मेरा यही है कि मैं धीरे धीरे बिल्कुल स्मूथ आराम से चलाऊँगा हाईवे तक और फिर हाईवे पे उसे एक बार थोड़ा खींच के दिखाऊँगा। तो यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी जाने में मुझे लग जाएंगे 5-6 मिनट। और भैया इसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा मस्त है यार, सच्ची बहुत मज़ा आ गया। बाय द वे ना ये हाईवे क्रूज़र है और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है सिर्फ इतनी सी। तो भैया ऑफ रोड के लिए तो देखो ये है नहीं, लेकिन हाईवे पे तो भैया तबाही चीज़ है ये, तबाही। स्कूटी पे आए थे आज और क्या, ये रही मेरी बैठ भाई की रामत है ना, रुको। तो अब मेरे पीछे मेरी बहन बैठ चुकी है, अब मैं बिल्कुल प्यार प्यार से चलाऊंगा जब तक हाईवे नहीं आ जाता और उसके बाद इसको मैं अपना हेलमेट दूंगा और फिर भैया नोट करेंगे रिएक्शंस। एक्शन कैमरा है, एक्शन नहीं है ये। अब तो बोलना शुरू कर सकते हो। मैडम क्या आप तैयार हैं? यस। चलें? या मुझे तो अभी से डर लग रहा है इसके साउंड सुन के। शांति आई, अरे बाप रे, अरे बाप रे, उतरो। अबे खोलो इसे। कैसा लग रहा है? कैसा क्या लग रहा है, उड़ के होते या तो हेलमेट जाते हैं, मैं ही जाती हूँ, दोनों ही जाते हैं। हेलमेट भी ऐसे 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 हो रहा है। अरे बाप रे, एक तो इसके साउंड है ना कान में लग रही थी बहुत, इसके साउंड कान में लग रही थी बहुत। पीछे बैठी थी ना इसलिए लग रहा है जैसे गए पीछे। हाँ ये हेलमेट के साथ ही गए। अरे बाइक नहीं है यार, तो भाई है ये, तो मेरे अभी तक काफ नहीं चढ़ी हुई है, पता नहीं, मैं फर्स्ट टाइम इस बाइक पे बैठी हूँ। और भैया मुझे कॉलेज से लेके आए हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए,
तब धीरे धीरे चला के लाए थे। मैंने कहा ये तो बस सिंपल बाइक है, जैसे औरों की बाइक चलती है वैसे ये बाइक है। साउंड इसके मतलब हाँ औरों से ज़्यादा है, बुलेट से ज़्यादा है, बट यहाँ के हाईवे पे जो भैया ने भगाई, अरे बाप रे, तुम पूछ नहीं सकते और ना मैं बता सकती तुम्हें मेरे साथ हुआ क्या। मेरा सर अभी तक घूम रहा है, बाइक काफ़ी अच्छी है अगर इसे स्लो चलाए तो, और तेज चलाए तो ये तो तब भाई है। और इतनी स्पीड में मैं तो फर्स्ट टाइम यार, मुझे तो वैसे भी स्पीड से डर लगता है। बैठी हूँ मैं R15 या KTM वगैरह पे, सब पे बैठी हूँ, लेकिन इस बाइक में जो मेरा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा इस बाइक पे, दोबारा तेज ना हो जाए, डर लगता है बहुत। तो बताइए बहन कैसा लगा? बोल क्या बताऊँ, मेरी गर्दन ही अटक गई यार। मतलब मैं भी जब एक तो मेरा भाई है उसको लेके गया था, कहता डर भी लगा और मजा भी आया। हाँ सेम थिंग मेरे साथ हुई। चल ठीक है मैं निकलता हूँ। डर भी लगा मजा भी आया और उड़ भी गए और आते वक्त कांप भी रही थी। ओ भाई साहब, अरे बाप रे, मम्मी मम्मी निकल रहा मेरे मुंह से। तो भैया अभी चलते हैं। कानों प्यास लगा रही है बच्चे, ठीक है बहन। तो भैया ये थे रुचि के रिएक्शंस इस बाइक पे बैठने के बाद। अभी मुझे मतलब अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि भैया उसकी रिएक्शंस क्या रहे, उसने क्या बोला क्या नहीं बोला, लेकिन भैया घर जाके मुझे देखना ही पड़ेगा। आपको तो खैर पता लग गया होगा अभी तक। और हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल ही गया यार, ये जो बाइक है ये फॉर सेल है, तो हितेश भाई जो अपने वो इस बाइक को सेल करना चाहते हैं क्योंकि वो एक नई बाइक का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हितेश भाई का इंस्टाग्राम हैंडल मैं छोड़ दूंगा, तो अगर आप लोग इस बीस्ट को लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो।